हेलो फ्रेंड्स, अरोड़ा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो प्रेजेंटेज का पार्ट है वो फिफ्थ पार्ट है। प्लीज़ जिन्होंने इसके चारों पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले वो सबसे पहले वो चारों पार्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेज चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के द्वारा काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है प्रेजेंटेज वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, और आज हम जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो प्रेजेंटेज के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेन डायग्राम से जो है सॉल्व किए जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को हम वेन आरेख भी बोलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। हम एक डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरह से होता है। ये सबसे पहले हम टू एलिमेंट्स वाला डायग्राम देखते हैं। टू एलिमेंट्स, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम जो है थ्री एलिमेंट्स वाले डायग्राम भी देखेंगे। अब ये ए है और ये बी है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ए में कौन सी वैल्यूज आती हैं। ए में ये पूरा का पूरा जो है वो ए होगा, ये पूरा का पूरा जो है ये बी होगा, और अगर हम बात करें इस वाले की तो ये बोथ होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। तो और अगर हमें वैल्यू निकालनी है ओनली ए, ये जो ए है इस ए में ये भी इंक्लूड होगा, ये पूरा होगा, इस बी में ये भी इंक्लूड होगा। अगर हमसे कहा जाए ओनली ए, सिर्फ ए वाली वैल्यू निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे ओनली ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। ओनली ए की वैल्यू इस वाले में से ये माइनस कर देंगे। अगर हमने माना ये ए हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी जो है बी है, और ये बीच वाला सी है, सी वैल्यू है। अब हमें ओनली ए की वैल्यू निकालनी, ओनली ए का मतलब है ये वाले एरिया की वैल्यू निकालनी, सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू निकालनी। तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल ए, ये जो ए है ए में से ये जो सी है इसमें से माइनस कर देंगे। जो ए वैल्यू दे रखी होगी पूरी की पूरी दे रखी होगी, उसमें से ये सी वाली वैल्यू जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ओनली ए, ये आ जाएगा ए माइनस सी। इसी तरह अगर हमें ओनली बी की वैल्यू निकालनी है, ओनली बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, यानी कि सिर्फ बी इतने वाले की, तो हम कैसे निकलेंगे, b माइनस सी कर देंगे। ये जो b होगा b माइनस सी कर देंगे, और ये जो पूरा का पूरा ये है एरिया, ये जो पूरा का पूरा है ये अपने आप में 100% होता है। तो अगर हमें ये जो बाहर वाली वैल्यू है ये निकालनी है, ये निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, हम ये वाला निकाल लेंगे, पूरा का पूरा हमारे पास ये दिया होगा, हमारे पास अगर ये दे रखा है, ए दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये तीनों की वैल्यू प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमें हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट है 200 स्टूडेंट में टी पीते हैं 140 स्टूडेंट, कॉफी पीते हैं 120 स्टूडेंट, और बोथ यानी कि टी भी पीते हैं कॉफी भी पी सकते हैं, दोनों पीते हैं 80 स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो ना तो टी पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, हमें वो जो है स्टूडेंट हमें निकालना है। तो सेम दो एलिमेंट वाला है टी और कॉफी वाला, अब हम निकाल देखते हैं इसको। पहले वेन आरेख बनाएंगे, अब हमने बनाया। अब ये हमारे पास टी वाला हो गया, ये कॉफी हो गया, एक टी है एक कॉफी है। टी वाला जो है 140 है, हम यहाँ लिख देते हैं 140। कॉफी वाला हमारे पास 120 है, वहाँ 120 का ले लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा टोटल है ये 100% है, यहाँ वैल्यू दे रखी है यानी कि 200, ये पूरा जो है 200 स्टूडेंट है। हमारे पास बोथ, बोथ के लिए ये वाला पूरा, ये वाला, ये कितना दे रखा है बोथ, ये हमें दे रखा है 80। अब हमें क्या निकालना है, ये टी एंड कॉफी दोनों है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो ना तो टी पीते हो ना कॉफी पीते हो। अगर हम बात करें, हम ये निकाल लें, ये निकाल लें, ये कौन सा है, ये ओनली टी वाला हो गया, ये बोथ वाला हो गया, और ये कॉफी वाला हो गया। हम क्या करेंगे, अब ये हम निकाल लें, ये वाला निकाल लें पूरा, उसके बाद 200 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला निकल जाएगा, यानी कि ये वाला जो है ये समझ लीजिए आप जो टी और कॉफी नहीं पीते हैं हम, वो निकल जाएगा। चलिए फिर सबसे पहले हम ओनली निकालते हैं। अब ओनली टी कैसे निकालेंगे, ओनली टी निकालने के लिए हमें क्या करना, हमें हमने अभी देखा अगर हमें ये वाला निकालना है तो ये पूरे वाले में से ये माइनस करेंगे, पूरा टी कितना पीते हैं, पूरा टी जो है 140 है, और ये
80 जो है माइनस हो जाएगा तो कितना हुआ 60। तो 60 जो है स्टूडेंट वो t कितना है, 6 t जो है ये वाला है, यानी कि ये 60 जो है t वाली, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये हमें सेम इसी तरह कॉफी वाली, सिर्फ ओनली कॉफी, ओनली कॉफी कैसे निकलेगा, ओनली कॉफी निकलेगा 120 माइनस 80 तो कितना हुआ, ये हो गया 40, यानी कि वाली वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। तो ये पूरा का पूरा निकल गया हमारे पास, ये पूरा कितना हुआ 140 और ये कितना हो गया 40, या फिर ऐसे ले ले 60 प्लस 80 प्लस 40 कितना हुआ 60, 100 हो गया, ये 180 हो गया। तो हमने कैसे निकाला, अब हमने टी वाला जो या तो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, टी मतलब कुछ भी, दोनों में से कुछ भी पी सकते हैं, दोनों पीते हैं तो कितना हुआ 180 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो ना टी पीते हो ना कॉफी पीते हो, तो सिंपल सी बात है। अब जो पीते हैं उनमें से जो टोटल में से आप जो पीते हैं वो माइनस कर दीजिए तो कितना हुआ 200 में से 180 माइनस हुआ कितना आ गया 20, यानी कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो टी पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे निकालना है। अगर हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ओनली भी पूछा जा सकता है, ओनली टी कितने पीते हैं तो आप इससे निकाल लेंगे टोटल वाले में से, इसमें से ये माइनस करके, ओनली कॉफी वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें से आप ये माइनस करके निकाल सकते हैं। अब अगर ना तो टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं तो आप क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे जो यानी कि टी पीते हैं कॉफी पीते हैं और दूध पीते हैं, फिर टोटल स्टूडेंट्स आप माइनस करेंगे तो इस तरह से निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम तीन एलिमेंट वाला एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम तीन एलिमेंट वाले जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो हम तीन एलिमेंट वाला देखते हैं सबसे पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के द्वारा वो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। तो हमने ये हमने एक बेनार एक बनाया, एक वेन डायग्राम, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू कैसे कैसे आएगी, क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन तीन एलिमेंट पे ही पूछे जाते हैं, ये तीन एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार अगर आपने ये समझ लिया और ये समझ लिया कि इसमें वैल्यू कैसे आएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ए है, ए कैसे है, ए में क्या है, ए में ये पूरा का पूरा है, बी में ये पूरा का पूरा है, सी में ये पूरा का पूरा है। अगर मैं बात करूं ए एंड बी की बात करें तो ए एंड बी ये पूरा का पूरा होगा, ये भी होगा। अगर मैं यहाँ ए एंड बी, ये पूरा का पूरा ए और बी होगा। अगर मैंने मान लीजिए आपको ए बी जो है, ए एंड बी की वैल्यू जो है 35 दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 35 ए और बी की वैल्यू दे रखी है, और ये जो ये है, ये वाला जो होगा, ये इतने वाला जो होगा, ये तीनों में इंक्लूड हो रहा है, ए में भी, बी में भी और सी में भी, तो ये ए बी और सी तीनों होगा, ये ध्यान रखना है। अब हमें ए बी निकालना है, यानी कि ये वाला जो है ए बी तो ये पूरा हो गया, इसमें सी में इंक्लूड हो रहा है, तो अगर हमें ये दे रखा है, ये वाली वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, आप ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि बीच वाली। तो अगर आपको ए बी दे रखा है 35, ए बी सी दे रखा है आपको 5, तो क्या करेंगे, काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ए बी सी, ए बी की, ए बी जो है उसको पूरा मान लेते हैं कि पूरे को 35 मान लेंगे, ऐसे नहीं करना। अगर ए बी सी दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू तो 5 है। अब ये वाली यानी कि इतनी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये काफी सारे स्टूडेंट इसको पूरा को 35 में 35 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ए बी ये पूरा का पूरा है, इस पूरे वाले में से 35 में से ये माइनस कर देंगे तो कितना बचा 30, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू ये 30 होगी, हमेशा ऐसे ही करना है। इसी तरह अगर ये दे रखा है आपको ए और सी, अगर ए और सी आपको दे रखा है 40 दे रखा है, तो आपको कैसे लिखोगे, आप यहाँ क्या लिखोगे, ए और सी तो ये पूरा हुआ, तो आप यहाँ कैसे लिखोगे, ये ए सी यानी कि 35 में से 5 है, तो आप कैसे लिखोगे, ये 35 हो गया। इसी तरह अगर ए ये बी और सी हो गया, सेम ऐसे ही अगर बी और सी की वैल्यू कैसे दे रखी है, बी सी की वैल्यू 40 दे रखी है, तो आप क्या करोगे, ये पूरी 40 होगी, तो क्या करोगे, ये भी 35 होगी, यानी कि 40 में से आप ये 5 माइनस करके रखो। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये समझ लिया, ये वैल्यू माइनस करके रखनी है, यानी कि अगर ए बी दे रखा है 35 तो आपको ए बी सी तीनों दे रखा है ये 5 है, तो आप क्या करोगे, इस वाले पूरे में से, इसमें से ये माइनस करके रखोगे, 30 माइनस करके रखोगे, ठीक है, तब ऐसे करके, अदरवाइज आपका जो है क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा कैसे कैसे वैल्यूज निकालनी है, क्वेश्चन में ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या है, अब ओनली, अगर ओनली ए की बात करें तो ये वाला, ये जो होगा ये इतना एरिया, ये ओनली ए होगा,
सेम इसी तरह बी की बात करें ओनली बी, तो ये वाला एरिया ओनली बी होगा, और ये इसी तरह ये होगा तो ये होगा ओनली सी। और इसमें भी 100% पूरा का पूरा जो होता है ना 100% ही होता है। तो सेम जैसे हमने सेकंड दो एलिमेंट वाला देखा था वैसे ही सेम होता है, लेकिन इसमें तीसरा और आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर ओनली ए की बात करें, अगर आपको ओनली ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा का पूरा ए दे रखा होगा। अगर ये मेरा पूरा का पूरा ये दे रखा है, मेरे को 70 दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे, 70 दे रखा है, 70 से ज्यादा ही 90 दे रखा है, 90 दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे, ये पूरा का पूरा आपको 90 दे रखा है। आप क्या करोगे, ये लोगे 35 प्लस 5 प्लस 30, कितना हुआ 35 70, तो ये कितना हुआ, तब होगा ये 20, ओनली ये जो है 20 होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये हमेशा माइनस करके ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरी जो वैल्यू होगी ये पूरी 90 होगी, पूरी की पूरी वैल्यू मिला के 90 होगी, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये पूरा 100% होगा, यानी कि आप जितना जैसे आप सॉल्व करते हैं, अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये बाहर वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप ये सारा का सारा आप ऐड करोगे, इसमें से माइनस करोगे, जो भी 100% दे रखा होगा वो माइनस करोगे, तो आपको ये वाला जो है, ये वाली वैल्यूज जो है, ये बाहर वाली वैल्यूज जो है मिल जाएगी। जैसे आप टी और कॉफी लेते हैं, अब यार टी कॉफी एक साथ में कुछ और भी ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक और अगर मान लेते हैं, तो इसी तरह टी हो गया, कॉफी हो गया, या कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो इस तरह से जो नाइदर टी कॉफी एंड ना तो टी पीता है ना कॉफी पीता है ना कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो क्या करेंगे, ये 100% जो भी दे रखा होगा ये इसमें से जो है हम माइनस कर लेंगे। तो ये पूरा पूरा कैसे निकलेगा, ओनली ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे ओनली निकाल के, फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास ये पूरा का पूरा अगर 90 है, ये ले लेंगे, ये प्लस ले लेंगे, प्लस ये ले लेंगे, प्लस ये ले लेंगे। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा कि वैल्यू कैसे रखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वैल्यू रखना है कि आप ये कैसे सॉल्व करते हो, ये कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व करना है, और ओनली कैसे निकालना है। चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन ए सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, 64 हैड टेकन मैथमेटिक्स कोर्सेज, 64 स्टूडेंट हैं उन्होंने, 64 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का कोर्स लिया था, 94 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का कोर्सेज लिया था, 58 ऐसे स्टूडेंट हैं, 58 हैड टेकन फिजिक्स कोर्सेज, तो 58 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स का कोर्स लिया था, 28 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 28 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स लिया था, एंड 26 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 26 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लिया था, 22 हैड टेकन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कोर्सेज, 22 ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स लिया, एंड 14 हैड टेकन ऑल द थ्री कोर्सेज, जो तीनों कोर्सेज लिए हैं जिन्होंने लिया था वो 14 स्टूडेंट थे। फाइंड हाउ मैनी हैड टेकन वन कोर्सेज, हमें ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने एक कोर्सेज तो लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ये तीन एलिमेंट वाला है तो हमने ये बनाया, अब इसमें मैथ, ये हमने मैथ ले लिया, हमने ये केमिस्ट्री ले लिया, और ये हमने फिजिक्स ले लिया। अब मैथमेटिक्स के 64 है, हम बाहर ले लेते हैं, 64 बाहर इसलिए रख लेते हैं क्योंकि 64 ये पूरा का पूरा होगा, मैथ में 64 लिए थे, 94 जो है केमिस्ट्री की बात करें, 94 हम इसको भी बाहर ही ले लेते हैं, 94 यानी कि केमिस्ट्री है, पूरा केमिस्ट्री है, ठीक है, 58 फिजिक्स, तो ये फिजिक्स है 58, तो हम इसे 58 पूरा लेते हैं, हम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ हमें ओनली की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए पूरा का पूरा है तो हम बाहर रख लेते हैं। अब 28 है टेकन मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स दोनों लिए थे 28, हम इसको भी 28 बाहर रख लेते हैं, ठीक है, 28 बाहर है, यानी कि 28 जो होगा ये पूरा का पूरा होगा 28, ये मैथ और फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हमने बाहर इसलिए लिया क्योंकि ये वाला जो है ये तीनों के लिए है, तो ये इसमें से यानी कि पूरे वाले में से ये माइनस करके ये निकल जाएगा, ठीक है, 26 मैथ और केमिस्ट्री, 26 मैथ और केमिस्ट्री, तो ये 26 मैथ और केमिस्ट्री, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया होगा, ठीक है। अब 22 केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स है 22, तो ये पूरा का पूरा होगा, और तीनों जो है 14 ये, क्योंकि तीनों कवर कर रहा है, तीनों को 14 है, तो अब हमें क्या निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वन कोर्सेज ओनली एक कोर्स लिया था, तो
तो एक कोर्सेस निकाल देने के लिए या तो ये वाला प्लस ये, क्योंकि या तो उसने केवल मैथ लिया होगा या केवल फिजिक्स लिया होगा या फिर ओनली मतलब केवल सी लिया होगा यानी कि केमिस्ट्री लिया होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये भी और ये भी। ये कैसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी, ये पूरा का पूरा 26 है, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा 26 है, तो 26 में से 14 माइनस करेंगे तो ये कितना आया, ये आया 12, यानी कि ये बीच वाला ये जो है ये 12 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, ये पूरा का पूरा 22 है, ये 14 है, तो ये कितना हुआ 22 में से 14 है तो 8 बजे, ये कितना है, ये हमारा पूरा का पूरा 26 है तो ये हमारा 12 हो गया, इसे ये 28 है तो ये हो गया 14, ये इतना हो गया 14। तो हमें ये पता लग गया, ये हमें टोटल, अब हमें ओनली जो है मैथ निकाल लेंगे, ओनली केमिस्ट्री निकाल लेंगे और ओनली फिजिक्स निकाल लेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो है 64 है, अब हमें क्या करना है, ओनली निकालना है, ये प्लस ये कितना निकलेगा, ये 64 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा 14 28 और 12 कितना हुआ, 28 और 12 हुआ ये 40 आ गया, ठीक है। अब 40 जो है ये वाला और ये, यानी कि इतना एरिया इतना वाला जो है ये 40 है, 64 ये है, 64 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचे 24, यानी कि ओनली मैथ है वो 24 है, ये वाला जो है ओनली मैथ जिनके पास था वो सिर्फ 24 थे, अब 94 है ये। इसे जब ओनली केमिस्ट्री कैसे लेंगे, ये 26 हो गया, 14 12 26 हो गया, और 26 और 8 कितना होता है, 8 और 6 14 और 2 और 1 3 यानी कि 34। अब 94 में से 34 माइनस करेंगे तो यानी कि 60 ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री लिया था, तो ओनली केमिस्ट्री वाले जो हैं वो 60 हैं। अब इसी तरह ओनली फिजिक्स लेना पड़ेगा, ये कितना है 28, 14 और 28 हो गया, 28 और 8 कितना हो गया, 8 और 16 का 6 36, अब ये 36 हो गया, और 58 में से माइनस करेंगे 36 तो कितना हुआ 2 और 2 यानी कि 22 जो है ऐसे हैं जिन्होंने केवल जो है जो फिजिक्स लिया था। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि वन कोर्सेज ओनली यानी कि मैथ प्लस ओनली केमिस्ट्री प्लस ओनली फिजिक्स तो कितना हुआ, ओनली मैथ है 24 प्लस ओनली फिजिक्स है केमिस्ट्री है 60 प्लस ओनली फिजिक्स है 22, तो ये कितना हुआ 4 और 2 6 और 6 4 एक ये हो गया 106 यानी कि 106 जो है वो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एक कोर्सेज लिया था, मैथ लिया होगा, मैथ फिजिक्स या फिर उन्होंने केमिस्ट्री लिया होगा, तो 106 जो है इस तरह जो है 106 इसका आंसर निकला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये पूरे की वैल्यू दी जाती है, इसमें से ये माइनस करना है, ये माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे तब जाके ये वाली वैल्यू जो है इसकी निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, इन ए टाउन 45 पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, शहर में 45% जो जनसंख्या है वो ए मैगजीन को पढ़ते हैं, 55 रीड मैगजीन बी, जो 55% है वो कौन सी बी पत्रिका को पढ़ते हैं, 40% रीड मैगजीन सी, 40% जो है जो पॉपुलेशन है जो जनसंख्या है वो सी पत्रिका को पढ़ते हैं, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, ए और बी जो है यानी कि 30% जनसंख्या जो है वो ए और बी दोनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं, 50% रीड मैगजीन बी और सी, जो 15% है 15% जो है वो ए बी और सी को पढ़ते हैं, 25 रीड मैगजीन ए और सी, 25% जो है वो ए और सी जो है दोनों मैगजीन को पढ़ते हैं, 10% रीड ऑल द थ्री मैगजीन, तीनों पत्रिकाओं को जो पढ़ते हैं वो 10% है, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, जो हमें निकालना है वो परसेंटेज निकालना है जो कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, अब ये हमने एक वेन डायग्राम बनाया है, ये ए है यानी कि जो मैगजीन ए ये है, मैगजीन बी ये है और मैगजीन सी ये है। अभी मैंने पहले भी बताया ए जो होगी पूरी की पूरी वैल्यू होगी, बी जो होगी पूरी की पूरी वैल्यू होगी, सी जो होगी पूरी की पूरी, ये वाली जो होगी ओनली ए होगी, ये वाली ओनली बी होगी और ये वाली ओनली सी होगी, ये पूरी की पूरी ए बी होगी और ये इतनी जो होगी ए बी सी तीनों होगी, और ये जो होगी ये हमें जो है पूरा का पूरा ए बी तो ये पूरा का पूरा दिया होगा, हम ये इसमें से माइनस करके निकालेंगे। चलिए देखते हैं, 45% जो है वो ए, 45% है तो ए,
45% हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि हमें ये नहीं लेनी थी, क्योंकि 45A जो है ये पूरा का पूरा है, इसने हमने बाहर ले लिया। 55% रीड मैगजीन बी, बी हमने 55% ले लिया, इसको भी हमने बाहर रख लिया क्योंकि ये पूरा का पूरा है, पूरा परसेंटेज है ये, सॉरी। 30% अब 40% रीड मैगजीन सी, 40% जो है वो सी है, ठीक है, हमने भी ये पूरा का पूरा सी ले लिया है। अब 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, ए और बी जो है 30% है। अब ये मैं 30% इसको बाहर ले लेती हूँ, अभी अंदर ही रखूंगी क्योंकि यहाँ ये मेरे को ये वाली वैल्यू तो ये वाली माइनस करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह कंफ्यूजिंग नहीं होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो पाओगे इस तरह। अगर अंदर रखोगे तो फिर माइनस करने में फिर प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसको बाहर रख लेते हैं। इसमें से ये माइनस करके, टोटल में से ये माइनस करके तब हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। 15% जो है बी और सी, बी और सी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ रख लेते हैं 15%, ठीक है। अब हमें हमारे पास है 25% ए और सी, ए और सी जो है हम ये रख लेते हैं 25%, ठीक है। अब हमारे पास ये बीच वाला है 10%, यानी कि 10% है। अब हम ये वाली वैल्यू अब निकाल लेते हैं, ये कितनी हुई, ये 10 है, ये पूरे 30 है, ये कितना हुआ 20%, ये 25 है, ये 10 है, तो ये कितना हुआ 15%। ये हमारे पास पूरा का पूरा 15 है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 5%। मैंने पहले भी बताया है, एक बार और देख लीजिए, ये पूरा का पूरा 25 होगा तो हमें ये निकालना है, तो हमें इसमें से ये 25 में से ये माइनस करके ये निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास 5 निकल जाएगा 15 में से 5 माइनस करके, टोटल 30 है तो हमारे पास ये निकल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें डू नॉट रीड मैगजीन निकालनी है, हमें वो निकालना है, वो जनसंख्या निकालनी है जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा जो मैगजीन पढ़ते हैं, यानी कि वो चाहे ए पढ़ते हो, बी पढ़ते हो, ए बी पढ़ते हो, या ए सी पढ़ते हो, या बी सी पढ़ते हो, यानी कि कोई भी मैगजीन पढ़ते हो, सबसे पहले हमें रीड मैगजीन निकालना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो ये टोटल जो है 100% होता है, टोटल 100% है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास रीड वाली मैगजीन का 100% निकल गया तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब क्या है, ये हमें पता लग गया है। अब हम एक बार ये निकाल लेते हैं, ये देख लेते हैं और ये निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको जो है ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमें जो निकलेगा वो माइनस कर देंगे। अब हमारे पास टोटल जो है 45 है, ये पूरा 45 होना चाहिए, ये कितना है 15 है, ये कितना है 20 है, और ये कितना है 10 है, ये तो पूरा ये 45 हो गया। फिर ये कितना है, यानी कि कोई जो मैगजीन ए, ओनली ए है, वो 0% है, 0% है, क्योंकि 15 है, ये 10 है, 10 और 20 और 10 30 हो गए, और 15 45 हो गए, तो ये तो ऑलरेडी 45% है, तो 0% हो गया। अब 55% है, ये कितना है 20, ये कितना है 10, यानी कि पूरा का पूरा कितना है 30, 30 और 5 यानी कि 35, तो 35 जो माइनस कर देंगे, ये 30 और 5 तो कितना हुआ 0 और 20, तो 20 जो है 20% जो है वो बी, ओनली बी पढ़ते हैं। अब क्या है, अब हमें निकालना है हमें 40, अब हमें सी निकालना पड़ेगा, इसे ओनली सी, ओनली सी कैसे निकलेगा, ये हमारे पास 15 है प्लस कितना हुआ 15 और 5 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, यानी कि 10% ये वाला निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रीड मैगजीन निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है कि पूरा का पूरा तो 45 है, ये पूरा 45 है, 45% है रीड मैगजीन, यानी कि आप रीड वाली मैगजीन लोगे, ये पूरा का पूरा 45 है, 45 में ये पूरा कवर हो गया है, तो अब हमने देखा 45 तो हमने ये रख लिया, ये पूरा कवर हो गया। बचा ये 20, बचा ये वाला 20, बचा 5 बचा और 10 बचा, यानी कि प्लस 20 प्लस 5 प्लस 10% कितना हुआ, ये टोटल हो गया है 5, 5 और 5 10, 10 0 और 4 6 7 और 1 8, एक हमारे पास था, एक हासिल करता तो 80 हो गया है, यानी कि रीड कितने रीड करते हैं 80% जो है मैगजीन जो है 80% जो जनसंख्या है वो पॉपुलेशन है वो मैगजीन को रीड करते हैं, टोटल कितना 100%, तो डू नॉट रीड कैसे निकलेगा, डू नॉट रीड हम 100 में से माइनस कर देंगे 80, तो कितना हुआ 20%, यानी कि 20% जनसंख्या ऐसी है जो रीड नहीं करती है, तो इसका आंसर कितना है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो हमेशा इस तरह से करना है, काफी सारे स्टूडेंट दूसरा तरीका यूज करते हैं, तो आप ऐसे यूज करेंगे तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किसकी वैल्यू क्या है। ये पूरे की पूरे टोटल दिया होता है, इसमें से ये माइनस कर लेंगे, और ये क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है, तो इसलिए हमेशा इस तरह से
करना चाहिए कि अलग अलग वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो ये पूरा 45 हमने हमने हमारा हो गया है, ये 20 हो गया है, ये 5 हो गया है, 10 हो गया है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है 20% आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए सोसाइटी 500 पीपल्स आर लिविंग, एक सोसाइटी में 500 लोग जो है रह रहे हैं, 45% प्ले क्रिकेट, 45 जो परसेंट है वो क्रिकेट खेलते हैं, 29% प्ले हॉकी, 29 जो परसेंट लोग हैं वो हॉकी खेलते हैं, 48% प्ले बैडमिंटन, 18% डिड नॉट एनी गेम, 18% जो है कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, वाइल जबकि 5% पीपल प्ले ऑल थ्री गेम्स, जो 5% है वो तीनों गेम्स खेलते हैं, इफ यदि 6% पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, यानी कि 6% जो है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, एंड 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन बोथ, तो 27% जो है क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले एनी बैडमिंटन। हमें ये बताना है कि ऐसे हमें लोग बताने हैं जो केवल बैडमिंटन, ओनली बैडमिंटन, केवल बैडमिंटन खेलते हैं, ऐसे हमें बताने हैं। चलिए हम वेन डायग्राम में जो है वैल्यूज पुट करते हैं, ये क्रिकेट हो गया है, ये हॉकी हो गया और ये बैडमिंटन हो गया है, ठीक है। 500 जो है लोग हैं सोसाइटी में, 45% क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ 45% रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं क्योंकि ये ओनली वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 29% हॉकी है, 29% जो है हॉकी खेल रहे हैं, अब 48% जो है बैडमिंटन है, 48% हम यहाँ रख लेंगे बैडमिंटन। अब 18% डिड नॉट गेम, कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो 18% हम बाहर रख लेंगे, हमने यहाँ क्यों रखा 18%। अब ये वाला जो एरिया है ये तो पूरा का पूरा क्रिकेट या क्रिकेट हॉकी या बैडमिंटन ये कोई गेम खेलने वाला है, अब पूरा का पूरा 100% होता है। अगर 100 में से खेलने वाले जो क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, हॉकी खेले, वो माइनस कर देंगे तो 18% निकल जाएगा, यानी कि जो कुछ भी नहीं खेलते वो निकल जाएगा, यानी कि ये वाला जो है ये बाहर वाला ये निकल जाएगा, तो हमने से 18% को यहाँ रख लिया। 5% जो है सभी गेम खेलते हैं, 5% हम यहाँ रख लेंगे क्योंकि ये सारा गेम खेलने वालों का है जो सारे गेम खेलते हैं। 6% जो है क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी जो है 6%, यानी कि ये यहाँ रखेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो है 6% है, तो ये कितना हो जाएगा 1%। मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया है कभी भी यहाँ 6% नहीं रखना है, क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करते हैं, इससे जो हमारी कैलकुलेशन है पूरी की पूरी गलत हो जाती है। ये पूरा का पूरा 6% होगा, तो ये इसमें से माइनस करके जो है ये यहाँ रखेंगे। अब 27% क्रिकेट और बैडमिंटन जो है ये जो है वो 27% है, ये वाला 27% है। अब ये वाला हम निकाल लेंगे, ये कितना हो सकता है, इसमें से 5 माइनस हुआ 22%, यानी कि ये वाला जो है 22% हो गया। अब हमें पता नहीं है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, हमें सिर्फ ये वाला निकालना है, पहले इसका परसेंट निकाल लेंगे कितना परसेंट है, फिर 500 में से हम, क्योंकि वैल्यू जो है हमें लोग पूछे गए हैं, परसेंटेज में आंसर तो नहीं पूछा गया है, तो 500 का हम जो यहाँ से परसेंटेज निकलेगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब हमें ओनली जो है क्रिकेट निकालना पड़ेगा, ओनली क्रिकेट कैसे निकालेंगे, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, इसमें से 45 माइनस कर देंगे, ये कितना हुआ 27 हो गया, 27 और 28 हो गया, तो 45 में से 28 माइनस किया तो कितना आ गया 17, तो ये आ गया 17% जो है वो केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब इसी तरह 29% का हमें हॉकी, सिर्फ ओनली हॉकी, अब हॉकी कितने खेलते हैं, 5 खेल रहा है 6, ये तो पूरा 6 हो गया, तो हम क्या करते हैं ये प्लस ये करते हैं, 49 से माइनस कर देंगे तो हमारा ओनली निकल जाएगा। अब हमारा 6 पता है हमें, 29 में से 6 माइनस करेंगे, यानी कि 23% माइनस एक्स हमारा ये जो है हॉकी वाला हो गया। बैडमिंटन हमें अभी पता नहीं है, तो हम क्या करें, हमें पता है कि पूरा का पूरा 100% है, अगर हम ये सारा जो खेलते हैं और नहीं खेलते हैं वो इक्वल होगा 100% के। चलिए देखते हैं कैसे होगा, ये पूरा का पूरा 48 है तो हम 48 ले लेते हैं, 48%, ठीक है। अब 17 जो बच गया सारा ले लेते हैं, 17 + 1% प्लस 23% माइनस एक्स, ये वाला जो है माइनस प्लस में 18%, ये पूरा का पूरा 100% होगा, हमें पता है पूरा का पूरा 100% होगा। 48 क्यों लिया, 48 मैंने क्योंकि हमें तो सारा लिखना है, तो हम ये
48 है, पूरा का पूरा 48% है, बचा हुआ 17 ले लिया, ये इतना ले लिया, ये 1% ले लिया, ये ले लिया, यानी कि सारा का सारा जो है 48 प्लस 17 1, और ये तो सारे के सारे खेलने वाले लोग हो गए, 18 जो है नहीं खेलने वाले, पूरा का पूरा टोटल 100% हो गया। अब इसको जो हमें ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 8, 16, 9, 7 और ये हुआ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 107% हो गया, 107% आ गया, माइनस के x आ गया इक्वल 100%। ठीक है, अब क्या है, यहां से ये इधर ले लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं, यानी कि कितना हुआ 107% माइनस 100 इक्वल टू x हो गया, तो कितना हुआ x इक्वल टू 7% हो गया, x की वैल्यू हमारी 7% निकल गई है यहाँ, यानी कि ये वाला जो है, ये वाली वैल्यू हमारी जो है 7% है, x की वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम हमें 48% लेना है, अब हमें क्या करना है, हमें 48 हमें दे रखा है, तो 48 से क्या करेंगे हम, 48 से हमें 48 दे रखा है, ये 7 है, हम ये जो है ये ओनली वाला जो है ओनली वाला एरिया निकाल लेंगे, तो ओनली वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये ओनली वाला हुआ हमारे पास 22 हो गया, 22 प्लस 5 और कितना हुआ ये प्लस 7, 7, 5, 12, 13, 14 यानी कि 34। ठीक है, 34% हमें क्या करना है, 48 में से 34 माइनस करना पड़ेगा, तो 48 में से 34 माइनस किया कितना हुआ 14, यानी कि हमारा ओनली बैडमिंटन जो है 14% निकला है। ठीक है, 14% कैसे निकलेगा, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये तो हमारा 7% निकल गया, ये हम इतना वाला जो है ये हम इसमें 48 में माइनस कर देंगे तो 14% आ गया। अब 14% हमें पता लग गया बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन वाला जो है वो 14% जो है लोग जो है बैडमिंटन खेलते हैं। अब हमें 500 है क्योंकि हमें तो वैल्यूज में निकालना है, तो 500 लोगों का 14% ले लेंगे, तो कितना हुआ 14×5=70, यानी कि 70 लोग हैं, यानी कि 70 लोग जो है वो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अगर हमें कुछ और भी पूछा जाता, सिर्फ हॉकी पूछ लिया जाता, तो हम यहाँ से निकाल लेते, इसको सॉल्व कर लेते, 23 माइनस 7% क्योंकि x की वैल्यू हमें पता लग गई है 7, तो यहाँ हम ये निकाल सकते थे। अगर हमसे पूछा जाता कि सिर्फ क्रिकेट, तो हम 17% यानी कि 500 को हम 17% निकाल लेते। तो इस तरह से वैल्यू निकालनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो यहाँ x रख के एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, 500 लोग थे, 45 जो थे क्रिकेट खेलते थे, 45%, 29% हॉकी, 48% जो है बैडमिंटन, 18% कोई भी गेम नहीं खेलते थे, 5% लोग जो है वो तीनों गेम खेलते थे, 6% प्ले क्रिकेट और हॉकी और बोथ दोनों खेलते थे, 27 क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते थे। तो हमें सिर्फ ओनली बैडमिंटन निकालना था, हमें ये दे रखा था 45% हॉकी दे रखा है, 29% 48% जो है हमें वो हमें बैडमिंटन दे रखा है। तो हमने क्या है, ये हमारे पास 6% जो है हॉकी और क्रिकेट था, तो ये तीनों खेलते थे, 5% टोटल में, 6 नहीं होगा, ये 6 में से टोटल में से ये माइनस करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल में से माइनस करेंगे 5% तब ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये हमें दे नहीं रखी थी एक्स है, तो एक्स है, तो अब हमें क्या है, हमें पता है टोटल पूरा का पूरा 100% है, ये 48% ले लिया है प्लस 17 ये, तो हमारा पूरा का पूरा कवर हो गया प्लस 18, तो सारा का सारा 100% है। इस तरह से करके, इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब x की वैल्यू हमें पता लग गया है, x पता लग गया, तो ये प्लस ये प्लस ये हम टोटल में से 48 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा 14% निकल जाएगा, 14% निकल गया है। केवल जो बैडमिंटन खेलते हैं, यहाँ से 500 × 14/100 तो 70, तो यानी कि 70 स्टूडेंट ऐसे, 70 जो लोग हैं, 70 पीपल हैं जो कि केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, यूपीएससी के द्वारा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंटेटिव चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप प्रेजेंटेटिव चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा टाइम एंड डिस्टेंस का आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।